हेलो, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प, है ना। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, जो 741 आईसी होता है, या इस तरह के और भी जो आईसी होते हैं जो जनरली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रूप में जाने जाते हैं, है ना, उनका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसके अंदर का सर्किट में क्या क्या होता है, है ना। तो जो कोई भी ओपैम्प है उसको जनरली चार स्टेज में बांटते हैं, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड आउटपुट स्टेज। ये चारों को आज हम लोग समझेंगे ये क्या चीज है, है ना। तो देखिए, एक है इनपुट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में आते हैं क्या होता है। तो कोई भी आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखते हैं तो उसमें दो इनपुट टर्मिनल चाहिए होता है, और दोनों इनपुट टर्मिनल का जो इम्पीडेंस होता है होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी हाई। आइडियली द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ओपैम्प शुड बी इनफाइनाइट, ओके, सो वेरी हाई। तो इसमें हम लोगों को ऐसा एक डिवाइस चाहिए जिसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हो और साथ ही साथ वोल्टेज गेन भी उसका बहुत ज्यादा हो। तो इसीलिए यहां पर हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है डबल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस स्टेज में एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, है ना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसमें दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं, इसका नाम है डबल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। बैलेंस्ड आउटपुट मतलब जितना इनपुट में टर्मिनल्स है उतना ही आउटपुट टर्मिनल्स भी है। जैसे इसमें दो इनपुट टर्मिनल्स हैं और आउटपुट टर्मिनल्स भी दो हैं, इसीलिए इसका नाम है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। अब ये करता क्या, देखिए ये दो चीज किया, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, है ना, इनपुट इम्पीडेंस, इधर जो इम्पीडेंस होता है इनपुट इम्पीडेंस वो वेरी हाई होता है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, उसका इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होता है। तो पहला चीज जो ये प्रोवाइड करता है इनपुट स्टेज की, जो आपका इनपुट टर्मिनल्स का जो इम्पीडेंस चाहिए था वेरी हाई, वो पूरा हो गया ये डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के यूज करने से। और दूसरा कि आपको एम्पलीफाई भी करना चाहिए, एम्पलीफाई भी होना चाहिए। तो एम्पलीफाई कैसे करना है, आपको ये इनपुट दिया आपने, है ना, यही बना देता हूं मैं कोई इसका दूसरा काम, है ना। पहला तो ये क्या किया, जो हमारा वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस चाहिए था, इनपुट इम्पीडेंस वो हमें मिल गया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट के हेल्प से। दूसरा चाहिए कि एम्पलीफिकेशन भी चाहिए। तो एम्पलीफिकेशन में इनपुट में हम ऐसा वीक सिग्नल देते हैं, आउटपुट में हमको एक एम्पलीफाइड सिग्नल चाहिए, है ना। तो एम्पलीफाई होके मिल गया हमें सिग्नल, नहीं, इसका जो ये बहुत छोटा था वोल्टेज, मान लीजिए 0.1 वोल्ट होगा, यहां पर ये 1 वोल्ट पे चलाया या 2 वोल्ट पे चलाया, एम्पलीफाई हो गया आपका सिग्नल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा सा जो डीसी लेवल है इसका ऊपर चला जाता है, इसका देखिए ग्राउंड लेवल यहां पर होगा, ये है आपका 0 वोल्ट, है ना। तो ये जो जिसके ऊपर ओवरलैप है, डीसी लेवल जो है इसका 1 वोल्ट हो गया, डीसी लेवल थोड़ा सा अप हो गया, कोई बात नहीं, एम्पलीफाई हो गया। तो इसने इनपुट स्टेज में दो काम किया, आपका पहला कि हाई इनपुट इम्पीडेंस दे दिया, दूसरा एम्पलीफाई कर दिया। इंटरमीडिएट स्टेज का क्या काम है, अब देखिए इसमें इनपुट, इसके दो आउटपुट थे, जो इनपुट स्टेज का दो आउटपुट टर्मिनल है वो चला जाएगा इंटरमीडिएट स्टेज के इनपुट में। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें तो एक ही आउटपुट रिक्वायर्ड है ना, जबकि यहां पर दो आउटपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं,
तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो जिसके इनपुट्स तो दो हों लेकिन आउटपुट एक ही हो। ऐसा जो डिवाइस है वो है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। इसमें क्या है, डुअल इनपुट तो है ही है लेकिन आउटपुट एक है, इसीलिए इसका नाम है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। जब से दो इनपुट रहता दो आउटपुट रहता तो बैलेंस आउटपुट होता, लेकिन चूंकि एक ही आउटपुट है इसलिए डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है। और ये कैस्केडेड रहता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर रहता है। इस तरह का जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर था ना कई रहते हैं, तो उससे क्या हुआ इस तरह से कई स्टेज में आपका रहेगा, है ना, ऐसे आउटपुट निकलेगा, लास्ट में ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर रहता है। तो ये कैस्केडेड होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, है ना। तो ये एक तो करता है कि एम्पलीफिकेशन करता है, एम्पलीफिकेशन माने बढ़ा देता है वोल्टेज लेवल को, और दूसरा दो इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है, इसका दो काम है, ठीक है। तो ये और ये एम्पलीफिकेशन तो किया इसने, यहां पर हमने इसको ऐसा दिया था, थोड़ा सा हमारा जो डीसी लेवल था इसका थोड़ा सा ऊपर था, यही वाला तो यहां जाएगा इनपुट में, ये 1 वोल्ट पे था इसका डीसी लेवल, और एम्पलीफाई करेगा ये, है ना, ऐसे खूब बहुत एम्पलीफिकेशन कर देगा। लेकिन सवाल बस फिर से वही रहेगा कि इसका जो डीसी लेवल होगा और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ये 0 वोल्ट है, ये है मान लीजिए 2 वोल्ट या 3 वोल्ट। अब इसमें डीसी लेवल चल के चला गया आपका 2 वोल्ट, लेकिन ऐसा हमें आउटपुट नहीं चाहिए। हमें डीसी लेवल कितना चाहिए, डीसी लेवल कितना चाहिए हमें आउटपुट में, 0, है ना, 0 के ऊपर ओवरलैपिंग हो। यहां पर कितना है, 2 वोल्ट के ऊपर ओवरलैपिंग है, मतलब इसमें डीसी लेवल इसमें भी कुछ ऐड हुआ कुछ इसमें भी ऐड हुआ, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए यूज करते हैं तीसरा लेवल, बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेवल शिफ्टिंग क्या होता है। लेवल शिफ्टिंग में क्या होता है, लेवल शिफ्टिंग में क्या होता है, आप इनपुट में जो देंगे यही वाला तो देंगे यहां पर, तो यहां पर क्या था, इसका डीसी लेवल कितना था, 2 वोल्ट, ये इतना ही देगा, आउटपुट चेंज नहीं करेगा, आउटपुट उतना ही रहेगा, लेकिन इसका डीसी लेवल क्या कर दिया इसने, डीसी लेवल इसका हो गया 0 वोल्ट, माने ग्राउंड पर डीसी लेवल इसका हो गया ग्राउंड, है ना, तो इस पर ये ओवरलैप। एक काम तो इसने किया कि लेवल जो, चूंकि ये डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर दोनों स्टेज में, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट और डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट दोनों ही डायरेक्टली कपल्ड है, तो इसलिए थोड़ा ये भी डीसी लेवल को ऊपर किया, ये भी ऊपर किया, उसको लेवल शिफ्टिंग लगा के हमने 0 पे लिया, एक काम हो गया। दूसरा देखिए, आउटपुट जो इम्पीडेंस होना चाहिए एम्पलीफायर का वो कितना होना चाहिए, बहुत कम, ऑलमोस्ट अगर 0 मिल जाए आउटपुट इम्पीडेंस तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही जो आपका इमीटर फॉलोअर है, इमीटर फॉलोअर का आउटपुट इम्पीडेंस बहुत लो होता है, आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ही लो होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत लो होता है, इसीलिए इमीटर फॉलोअर का यूज करके हमने 2 काम किया, एक तो लेवल शिफ्टिंग करके ये 0 पे ले आए, डीसी लेवल इसका 0 हो गया, और दूसरा इसका आउटपुट इम्पीडेंस कितना हो गया, आउटपुट इम्पीडेंस टेंड्स टू 0, बहुत कम, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया। अब आपको ऑलमोस्ट एक ऐसा एम्पलीफायर मिल गया जिसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम है। अब हमें सिर्फ एक चीज की कमी रह गई कि वोल्टेज स्विंग हमारा कम नहीं हो। अगर हमें आउटपुट चाहिए -20 वोल्ट से +20 वोल्ट के बीच, और लेकिन अगर ये डिवाइस -5 वोल्ट से +5 वोल्ट तक के बीच ही आउटपुट दे सकता है तो हमारे, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी।
इसीलिए लास्ट में हम लोग लगाते हैं कंप्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। ये क्या करता है, आपके वोल्टेज स्विंग को बढ़ा देता है और साथ ही साथ जो आउटपुट करंट प्रोवाइड करने का जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा देता है ना। तो आउटपुट स्टेज दो काम के लिए यूज किया जाता है, आउटपुट वोल्टेज स्विंग को बढ़ाने के लिए और जो करंट सप्लाई करने का कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं एक मिनट में और रिपीट कर दूंगा। इनपुट स्टेज का दो काम है, एक हाई इनपुट इंपीडेंस देना, प्रोवाइड कराना और साथ ही साथ एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब इंटरमीडिएट स्टेज का भी दो काम है, एक तो दो इनपुट को एक आउटपुट के डिवाइस में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारा जो फाइनल एम है वो एक आउटपुट वाला डिवाइस है। तो अभी ये दो है आउटपुट, यहां दो इसका आया है तो दो को एक में कन्वर्ट कर दिया, एक काम इसने ये किया। और दूसरा इसने ये किया कि जो बाकी बहुत हाई गेन एम्पलीफायर रहता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो बाकी जो एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड था यहां जो दिया सो दिया यहां पर, और जो एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड था वो यहां पर हम लगाते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर लगा के। कई स्टेज में एम्पलीफिकेशन होता है इंटरमीडिएट स्टेज में, है ना। तो ये भी बहुत हद तक जितना भी रिक्वायरमेंट आपका है वोल्टेज गेन का वो पूरा कर देता है, ठीक है। तो दो काम किया, एक दो इनपुट को एक इनपुट में चेंज कर दिया और जो है ये एम्पलीफिकेशन जितना चाहिए था उतना कर दिया। इसीलिए इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बोलते हैं डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, दो इनपुट एक आउटपुट। ये क्या किया, इसने लेवल को शिफ्ट कर दिया, ये इस स्टेज में इनपुट स्टेज में इंटरमीडिएट स्टेज में जो डीसी लेवल था ऊपर चला गया था, है ना, उसको जीरो पे लाने के लिए लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यूज करते हैं। और बफर इसलिए यूज करते हैं एज बफर के रूप में यूज करते हैं इमीटर फ्लोअर को। बफर का मतलब होता है कि वो जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट देगा, लेकिन इंपीडेंस को चेंज कर देगा, इनपुट में हाई इंपीडेंस है आउटपुट में लो इंपीडेंस में सेम आउटपुट देगा, है ना। हमें रिक्वायर्ड क्या था, आउटपुट इंपीडेंस कितना चाहिए था, वेरी वेरी लो, और वही ये करता है, है ना। तो ये काम ये क्या इसने क्या किया था, इनपुट स्टेज में जो हमने लगाया था DIBO डबल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, इसने हाई इनपुट इंपीडेंस प्रोवाइड कराया था और ये इमीटर फ्लोअर हमको लो आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो दो काम किया इसने, लेवल को शिफ्ट कर दिया, जो भी डीसी लेवल पे चला गया था उसको ग्राउंड लेवल पे ले आया, जीरो डीसी लेवल पे ले आया, और दूसरा इसको लो आउटपुट इंपीडेंस प्रोवाइड करा दिया। अब लास्ट में आपका सब कुछ बन चुका है, सर्किट ओपेम का पूरा कहानी गढ़ा जा चुका है। अब हमें चाहिए कि वोल्टेज स्विंग ज्यादा चाहिए और करंट कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए, उसके लिए हम लोग आउटपुट स्टेज में एक पुश पुल एम्पलीफायर लगा के वोल्टेज स्विंग को बढ़ा देते हैं और करंट कैपेसिटी को भी बढ़ा देते हैं। होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि ओपेम का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या करते हैं। अगर आपको अपना ओपेम डिजाइन करना होगा तो आप कैसे करेंगे, यही चारों चीजों का ध्यान रखेंगे और डिजाइन करेंगे, ओके। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके साथ जो हम लोगों को मेन पढ़ना है 741 IC, भूलिएगा मत 741 IC नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर रहे हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।